तन तन जगत गुरु सतगुरु विदास जी महाराज, तन तन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज जी दे पावन चरणा कमलों विच विराजमान गुरु प्रसाद संगत जी। अज विश्व विच असू दा महीना प्रारंभ होया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज सारे विश्व ते अपने आशीर्वाद बख्शिश करन। सारे विश्व विच सुख शांति तरक्की खुशहाली होवे। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने अमृत बाणी विच बेअंत शब्द पदे 35 अखरी हफ्तावारी 15 तिथियां 12 मास उपदेश प्यादी विधि और बेअंत श्लोका राही सारी मानवता दे भले लई उच्चारण किते हन। और जिस विच जीव नू इस जीवन नू किवें बतीत करना है और इस जीवन नू बतीत करदे होए इस अनमोल जीवन विच अपने अंदर ज्ञान दे प्रकाश नू किवें करना है सारा ही विस्थार पूर्वक चानना पाया है। असू आसा पूरियां जब गुरु पै दयाल। अज असू दा महीना प्रारंभ होया। जदों ए मानव इस अनमोल जीवन विच गुरु चरणा विच जांदा है और गुरुआं दे उपदेशां नूं सरवण करदा है और उन्हां ते चलदा है, इस दे नाल ए जीव दा ए अनमोल जीवन सफल हो जांदा है। जगत गुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करदे हन, असू दा महीना क्या ए मानव जीवन। सृष्टि विच सर्व व्यापक प्रभु दी सब तो महान सृजना है। जीव दियां सारियां इच्छावां उस समय संपूर्ण हो जांदियां हन जिस वेले जीव ते गुरुआं दी कृपा हो जांदी है, दयालता हो जांदी है। असू आसा पूरियां जब गुर पै दयाल। जिस वेले जीव ते गुरु दयाल हो जांदे हन, कृपालू हो जांदे हन और सतगुरु जी चारण करदे हन, गुर की लखो दयालता सतगुर कियो प्रसार कहे रविदास भगवान ने दास दिए जगतार। जदों इस जीव ते गुरुआं दी दयालता हो जांदी है ये जीव संसार रूपी पसारे विच उस सरदा कण कण विच अनुभव करदा है और भगवान दी कृपा दे नाल ये जो प्रभु दा दास है इसदा इस संसार विच आउणा सफल हो जांदा है। जदों जीव दुनियावी तौर ते अपने मार्ग ते टल रहिंदा है फिर ये परमार्थ विच कुछ प्राप्त कर सकदा है। जब तक ये दुनियावी तौर ते अपने मार्ग ते टल नहीं है तद तक इस जीव नूं प्रभु दी प्राप्ति नहीं हो सकती और जीवन विच अटलता दा जो मार्ग है उह संतां महापुरशां दी संगत विच जाके प्राप्त हुंदा है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे चरणा कमलां विच जिज्ञासुआं ने बेनती कीती, मिलत प्यारो प्राण नाथ कबन भगते, कि जो प्राणा दा दार है प्राणा तो प्यारा प्रभु है, केड़ी दुनिया विच ऐसी श्रेष्ठ भगती है जिसते करना उसकी प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने साध संगत पाई परम गते, संतां दी संगत विच जाके जीव नूं परम गति दी प्राप्ति हुंदी है। एक मान विरोधी व्यवस्था है जिसते तहत विदेशियां वलों सदियां पहले विदेशां तो आके इस मूल निवासी सुनहरी सभ्यता नूं तहस नहस कीता गया
और भेद भाव कर्म कांड अडंबरा अज्ञानता वाली व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया गया। और एक है ऐसी व्यवस्था जो स्वाधीनता ज्ञान की प्राप्ति विश्व शांति का मार्ग बख्शिश करती है, जो साढ़े संत महापुरुष लैके आए हैं जिन्होंने सदियों तो प्रचलित मानव विरोधी व्यवस्था का खात्मे लिए लंबा संघर्ष किया और विश्व न बेगमपुरे वतन के संकल्प राही लोकतंत्रिक समाजवाद का उपदेश दिता, जिस में सारी मानवता पराधीनता गुलामी भेदभाव अडंबरा कर्म कांडा तो मुक्त होकर मानवी अधिकारों का आनंद अनुभव कर सके। और जो जीव संता महापुरुषों की शरण में जाता है, संत महापुरुष पहला उपदेश यही देते हैं कि भाई अपने मूल न जुड़ के रहो, अपने रहवरां की विचारधारा के नाल जुड़ के रहो और अपने माता पिता की सेवा बड़िया का सत्कार छोटिया नाल प्यार और अपने बच्चों वध तो वध विद्या पढ़ाओ और अपने बच्चों की संभाल करो, क्योंकि जो बच्चे हैं आने वाला भविख हैं और जो जेकर बच्चे जागरूक हैं तो समाज जागरूक होगा और अपने बच्चों अपने रहवरां की मूल विचारधारा के नाल जोड़ो और बड़िया का सत्कार छोटिया नाल प्यार अपने माता पिता की सेवा करो और संतां महापुरशां ने जो उपदेश दिते हैं उन्हां ते चल के अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति करो। जदों ये जीव दुनियावी तौर पर अपने रहवरां गुरुआं संतां महापुरशां समाज धारकां शहीदां दे मार्ग ते चल रहिंदा है, फिर यह जीव नूं ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है, फिर यह जीव ते गुरुआं दी दयालता हुंदी है। जेकर साडा अपना मन स्थिर नहीं है, थोड़े थोड़े दुख आउण ते असीं भटकदे हाँ तां सानूं गुरुआं दी कृपालता प्राप्त नहीं हो सकती और गुरुआं दी कृपालता प्राप्त करन दे लई समर्पण की लोड़ है और समर्पण नाल ही जीवन में अटलता आती है। और जगत गुरुदास महाराज ने अंधकार के युग में ज्ञान का प्रकाश किया और सारी मानवता सत मार्ग बख्शिश किया, जो अमृत बाणी के रूप में विश्व विख्यात है, जिस में जगत गुरुदास महाराज ने जीवन के हर पक्ष से चरना पाया है। तो जदों जीव एकाग्रचित होके अपने रहवरां नूं याद करता है, उन्हां दे मार्ग ते चलता है और गुरुआं दी दयालता अनुभव करता है। अजकल नशियां दा बहुत भरमार है और देखो इस समाज नूं गुलाम बनाउण दा दी साजिश है और जो बच्चे हैं समाज का आने वाला भविख हैं और नशिया करके परिवारों के परिवार तबाह हो रहे हैं। और जगत गुरु रविदास महाराज जी ने पहले विचारण कर दिता, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए, कि संसारी नशे करन दे नाल तन दी मन दी धन दी समय दी हानि हुंदी है और वो नशा सवेरे उतर जाता है, पर जो जीव प्रभु दे नाम दा आनंद अनुभव करता है वो अटल उसनूं आनंद प्राप्त हुंदा है। रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, जो चढ़ता है वो उतर जाता है, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए, जिहड़े जीव नाम दा महारस पींदे हन महारस पींदे हन जिन्हां नूं एक बारी प्रभु दे नाम दा रस चढ़ जाता है, मिशन दा रस चढ़ जाता है, वो कदे नहीं उतरदा और वो दुनिया लई मार्गदर्शक बन जाते हैं। पर ऐसा आनंद कदों अनुभव हुंदा, जदों जीव गुरुआं दे मार्ग ते टल हो जाता है और सानू हमेशा ही अपने रहबरां गुरुआं संतां महापुरशां शहीदां समाज धारकां नूं याद रखना चाहिए है, जिन्हां दी बदौलत सानू सन्मान वाला जीवन प्राप्त होया। जगत गुरु रविदास जी महाराज जिन्हां दे कोड़ा पैरोकार विश्व भर विच वसदे हन, जिन्हां विच एकता दा सूत्र रविदासिया धर्म है और धर्म दा भी अर्थ ही है
अपने धर्म का प्रचार सारी मानवता नाल प्यार करना और जो धर्म मानवता की भलाई की गल करते हैं उन्होंने सत्कार करना क्योंकि सारे धर्म मानवता लिए बने हैं। इसलिए जगत गुरु रविदास महाराज ने उच्चारण किया मानुखा अवतार दुर्लभ। ये मानव इस सृष्टि में सब तो महान सर्वव्यापक की सिरना है और इस तो महान केवल ते केवल सर्वव्यापक प्रभु है और जिसने जिन्हां संतां महापुरशां ने अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश कर लिया वो महान हैं। इसलिए ऐसा महान जीवन प्राप्त करके जीवनू अपने तो महान की पूजा करनी चाहिए है और जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने कल्पनिक भगवानों का खंडन किया और सारी मानवता नूं सर्वव्यापक प्रभु जो सृष्टि के कण कण विच विराजमान है सर्वै एक अनेके स्वामी सब घट भोग वै सोई कह रबदास हाथ पै नेड़े सहजे होए सोई। क्यों प्रभु एक तो अनेक रूप धारण करके संसार दे कण कण विच विराजमान है सारी सृष्टि विच विराजमान है उस प्रभु दा अनुभव जी हत्थां पैरां तो भी नेड़े अपने अंदर उस वेले करदा है जिस वेले सहज अवस्था विच चल जांदा है। सहज अवस्था विच पहुँच के जी प्रभु दे प्रकाश अनुभव करदा है। सहज समाध उपाद रहत पुन बड़े पागलिव लागी कह रबदास परगासर दे तर जन्म मन पै पागी। जदों जीव के अंदर नाम का प्रकाश हो जाता और ये जीव जन्म मरण के भय तो मुक्त हो जाता है। इसलिए जीव नू अपने रहवना दे मार्ग ते चल जाना चाहिदा है और जो सानू सुख सहूलतां अपने रहवरां गुरुआं संतां महापुरशां की कृपा नाल प्राप्त होईयां हन उन्हां नू कायम रखना साडा फर्ज बनदा तां ही असीं अपनियां आउण वालियां जनरेशनां नू उजल भविख दे के जावांगे। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने विश्व दे इतिहास विच नवें अध्याय की प्रमता कीती और चरण किया बेगमपुरा शहर को नाओ दुखन दो नहीं ते ठाओ और 20 मार्च 1480 नूं मनार दी धरती ते जगत गुरु रविदास महाराज ने एक अंदोलन की प्रमता की जिस विच सारी मानवता नूं स्वस्थ जल मिले रोटी कपड़ा मकान सारे मानवी अधिकार प्राप्त होण हर जीव पराधीनता गुलामी भेदभाव तो मुक्त होवे क्योंकि जगत गुरु रविदास महाराज के चरणा कमलों में अणगिणत राजे महाराजे झुके और जो 20 मार्च 1480 नूं बनारस विखे जगत गुरु रविदास महाराज दे अंतरराष्ट्रीय सत्संग दा आयोजन किया गया। उहदा सारा खर्चा शेख अबलोह दाना जो कि ईरान दा शेख सी उसने किया सी क्योंकि जगत गुरु रविदास महाराज दे चरणा कमलों विच अणगिणत राजे महाराजे सारे वर्गों के लोग चुके तो जो जगत गुरु रविदास महाराज ने विश्व नूं सुनेहा दिता सारी मानवता के भले लिए बेगमपुरे वतन का ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब संभव से रविदास रहे प्रसन्न। और उसनों डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान बना के व्यवहारिक रूप दिता है जिस में सारे भारतीयों हक हकूक मिले हैं और ना हकों हकूकों से पहरा देना सारे भारतीयों का फर्ज बनता है। ता ही असी अपनिया आने वाली पीढ़ियों उजल भविख दे के जावांगे। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज असू दे महीने राही सारी मानवता नूं कल्याणकारी उपदेश बख्शिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी।